कि आज इस क्षेत्र के वासियों को जना ईदगाह का एक गिफ्ट मिला है सरकार की तरफ से, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ईद का मकसद है खुशी, और ईद उल फितर का मकसद है बार बार खुशियों का हासिल होना। और इसके अलावा ये जो ईद की नमाज आती है वो 30 रोजे रखने के बाद आती है। आज पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद का महापर्व मनाया जा रहा है। भारत के तमाम मस्जिदों और ईदगाहों पर मुस्लिम धर्म के लोगों की चहल पहल सुबह से ही दिखाई दे रही है। कल चांद दीदार के बाद आज भारत में ईद मनाई जा रही है। आज सुबह से ही बख्तावरपुर गांव की नई ईदगाह में नमाजियों की भीड़ उमड़ी। हमेशा की तरह एक दिन पहले सऊदी अरब में ईद मनाई जाती है, ठीक उसके अगले दिन भारतीय मुस्लिम चांद के अनुसार ईद का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बख्तावरपुर गांव की ईदगाह में बख्तावरपुर मस्जिद के इमाम मुख्तार आलम ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। आपको बता दें, बख्तावरपुर गांव की यह ईदगाह एक प्राचीन ईदगाह है और काफी वर्षों से खस्ता हाल थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के 12 गांव के प्रधान अजमेरी खान के अथक प्रयास से दिल्ली सरकार के माध्यम से इस ईदगाह का बजट पास किया गया, और सरकारी खर्चे पर विधायक शरद चौहान के माध्यम से इस नई ईदगाह को बनाकर तैयार किया गया, जिसमें आज बख्तावरपुर गांव समेत आसपास के 13 गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और खुदा का शुक्र अदा किया। मेरा नाम अजमेर खान नलवी, प्रधान 12 गांव के, और ईदगाह बनाने में यहां सब भाइयों का सहयोग मिला है मुझे भी, और हमारे MLA साहब का भी हमें सहयोग मिला है, और ये अनीस भाई है, दीन मोहम्मद भाई है, नफीस भाई है, इन लोगों ने ये मस्जिद में इमदाद की है, पूरा मेहनत की है इन लोगों ने, और ये जितनी भी, और हमारे शर्मा जी हैं, विजन शर्मा जी हैं, प्रधान जी हैं इलाके के पंडित जी, उन्होंने अनीस भाई ने बड़ी मेहनत करी है इसमें। पहले तो सबसे पहले मैं देशवासियों को ईद की बधाई देना चाहूँगा कि आज ईद जो ना बहुत हर्षोल्लास से और बहुत प्यार प्रेम से ईद को मनाया गया है यहाँ, और एक भाईचारे का संदेश दिया गया। और दूसरा मुबारकबाद दूंगा मैं आपके इस चैनल को कि इस चैनल ने कई सालों से जो ना हर बार ईद पे अपनी न्यूज़ को जो ना लोगों के व्यूज़ लिए, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया, तो इसके लिए आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज और पहले में बहुत फ़र्क नज़र आया। आज ईद की नमाज जो पढ़ी गई बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सुविधाजनक पढ़ी गई। नई ईदगाह में ईद की नमाज जो पढ़ी गई है, हर आदमी यहाँ इसके लिए बहुत खुश है और देश के लिए दुआएं कर रहा है, और जिन लोगों का इसमें सहयोग रहा, ईद की जो हमारी कमेटी है उसने बहुत मेहनत की, और इसमें आज उसका नतीजा है कि आज इस क्षेत्र के वासियों को जना ईदगाह का एक गिफ्ट मिला है सरकार की तरफ से, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा यहाँ के जितने भी लोग इसमें मेहनत की है, और हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारे जो शरद चौहान जी हैं, उन्होंने अपने प्रयासों से इस ईदगाह को जो बनवाया है बहुत ही लाजवाब और तारीफ़ काबिल है। हम बार बार उस चीज़ को बधाई देना चाहेंगे, और सभी गाँव वासियों को और आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन लोगों को इस ईदगाह की बहुत बहुत बधाई हो और ईद की बधाई हो, और जो हमारी कमेटी है जिसने बहुत बेहतरीन काम किया है उसको भी बहुत बहुत जो ना उसका धन्यवाद भी करेंगे और उन लोगों को सराहना करेंगे, उन लोगों की शुक्रिया। और सर, मैं आज ईद का जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ईद का माशाल्लाह आज हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है, हम बहुत खुश हैं इस बात से, और हमारी नमाज बहुत आसानी से हुई, बहुत अच्छी हुई। ईद का मकसद है खुशी, और ईद उल फितर का मकसद है बार बार खुशियों का हासिल होना। और इसके अलावा जो ये जो ईद की नमाज आती है वो 30 रोजे रखने के बाद आती है शव्वाल के, और शव्वाल के पहला इसकी पहली तारीख होती है शव्वाल की, और हम लोग सब ये चाहते हैं कि जो हमने रोज़े रखे हैं, मेहनत करी है, कुरान पढ़ा है, या इसके अलावा जो है हमने जो वितर नमाज पढ़ी है, सदका दिया है, फितरा दिया है, ज़कात दिया है, उसका अल्लाह पाक हमें बहुत अच्छा इनाम दे, और हम चाहते हैं हम सब भाई मिलकर आपस में खुश मिलकर मोहब्बत से पेश आएँ, आपस में भाईचारा रखें। ईद का मकसद भी भाईचारा है, और ये कि हम चाहते हैं कि हम लोग सब आपस में आगे तक भी भाईचारा रखें और आपस में ना इत्तफाकी ना करें।
रमजान उल मुबारक का पाक मुकद्दस महीना पूरा हो चुका है। पूरे 30 रमजानों में कड़ी इबादत के बाद आज मुस्लिम समुदाय के लिए लोगों के लिए हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद का महापर्व मनाया जा रहा है। ईद मनाने से पहले एक महीना मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिदों में कलाम पाक की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रमजान के महीने में 30 रोजे रखते हैं। कड़ी इबादत के बाद ईद का महापर्व आता है। कल ईद से पहले चांद रात थी, कल चांद के दीदार हुए, इसके बाद पूरे भारत में ईद का जश्न कल रात से ही देखने को मिल रहा था। लेकिन चांद के दीदार के बाद अगले दिन सुबह सभी मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज की अदायगी के बाद सभी मुस्लिम धर्म के लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशियां मनाते हुए नजर आए। भाईचारे का ये प्रतीक आज पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन सभी लोग सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं, घर में सेवैयां मनाई जाती हैं, खाने के अलग अलग तरीके पकवान बनाए जाते हैं। ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले लगकर सभी लोग ईद की शुभकामनाएं देते हैं और एक दूसरे के घर पर जाकर खाना खाकर जो भी आपसी मतभेद होते हैं उसको खत्म कर भाईचारे के प्रतीक इस त्योहार को एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सेजल प्रजापति, दिल्ली।